लिखने लगे हैं। तो लॉजिक में कोई एम्बिग्विटी? तो मैंने क्या कहा कि मैंने किस किस वेरिएबल को यूज करना है? रो को इनिशियलाइज भी उसको वन के साथ कर लेते हैं, और कॉलम के अंदर भी वन, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, मल्टीपल वेज है ना, जब भी नेस्टेड लूप्स आती हैं आप कोई भी लूप लिख सकते हो। मुझे लगता है फॉर के साथ आपने खेला हुआ, वाई के साथ कर लेते हैं, फॉर की भी है ना, तो अब वाई के साथ करते हैं ताकि उसका भी आइडिया हो जाए फर्क क्या है। तो आपने क्या किया, हर लूप का फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट दे दिया। दो ही लूप्स है ना, एक रो वाली एक कॉलम वाली। पहली वाली जो लूप है वो किसको हैंडल करेगी? आउटर लूप किस लिए यूज होती है? आपने बताया अभी, हाँ, रोज के लिए बिल्कुल, क्योंकि हम जब टेबुलर फॉर्म भी कर रहे थे ना, हमने कहा था कि रो वन के अंदर एंटर हो जाओ पहले, फिर हर हर कॉलम के ऊपर अपडेट करो। तो पहले आप रो में एंटर हुए, है ना? इसके दूसरे वेज भी हैं, ये वाली बात दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ना, जो भी हमने ड्राई रन में लिखा है इलेवन में, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। शाबाश। तो आप रो में एंटर हो जाओ, जब आप रो में एंटर हो गए तो आपने क्या किया, रो में एंटर हुए तो क्या किया, कॉलम चेक किया अपना कि क्या मैं कॉलम नंबर वन में हूँ। तो मैंने देखना है कि क्या जो मेरा कॉलम है, क्या मेरा ये कॉलम, अच्छा इसको ना ऐसे करने की बजाय मुझे ऐसे करने दो, पर कुछ खास नहीं है वो, तो मैं आपको एंड पे बताती हूँ फर्क क्या। अच्छा मैं कहती हूँ आप रो नंबर वन में एंटर हो गए, अब कहो कि मैं कॉलम नंबर वन पे हूँ, तो वो मैं यहाँ पर कहती हूँ, खुद कह देती हूँ कॉलम की वैल्यू कुछ नहीं रखी, कॉलम की वैल्यू इक्वल्स टू वन, ठीक है, कॉलम की वैल्यू वन सेट कर ली, ये बात ठीक है। जब आपने वैल्यू सेट कर ली तो आपने क्या करना है, इसको चेक करना है कि क्या ये वैल्यू कॉलम की वैल्यू छोटी या बराबर है टेन के, ये बात समझ में आती है। अभी आउटर लूप चल रही है, उसके अंदर इनर लूप स्टार्ट कर रहे हैं हम, आउटर रो के लिए थी, अब हम कॉलम के लिए काम कर रहे हैं। इससे आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हुए कि ये मैंने क्यों किया है? मैं इसको अगर मैं वापस को रख दूं, बाद में बता दूं कि ये यहाँ पे रखना क्यों जरूरी है, बाद में बताती हूँ ताकि आप लोगों को याद भी रहे। चलो जी, हम आउटर रो में आ गए, कॉलम में भी आ गए, अगर ये ट्रू है तो क्या करूं, क्या करना था जी आपने? हाँ हाँ, आपने कहा कि मैंने चेक कर लिया कि रो नंबर जो है वन छोटी ही है टेन से, और कॉलम नंबर वन भी टेन से छोटा है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करवा देना, ऐसा ही है ना? तो आपने क्या करना है, एसओपी में लिखना है क्या, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यही करना है ना? अभी न्यू लाइन पर तो नहीं जाना ना, ऐसा थोड़ी सी ना ब्यूटिफिकेशन के लिए या सेपरेशन के लिए, आप देखो आपके स्पेस कंकैटिनेट कर लेते हैं प्लस इस तरह से स्पेस, लेकिन अभी न्यू लाइन पर नहीं गए, ऐसा है ना? ये बात डाइजेस्ट हो गई? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना था, आपने अपने कॉलम को इंक्रीमेंट करना था ना, अभी ही कॉलम को इंक्रीमेंट करना है, तो मैं कहती हूँ रो नंबर वन में ही रहते हुए कॉलम की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, तो कॉलम की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, अब इसी रो में रहते हुए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ खड़े हैं, तो अब आपने क्या करना है, फिर यही करना है ना, तो मतलब हमने इसको क्लोज कर लिया,
आपने क्या किया, पहला नंबर डिस्प्ले करा दिया, स्पेस दे दी, अपडेशन कर ली, कंडीशन चेक की। अब मैंने कहना है कि क्या टू जो है वो छोटा ही है 10 से, तो यस ये छोटा ही है, तो क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करवा दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट टू। और थोड़ी सी स्पेस से हम कहते हैं लाइक नोटिफिकेशन के लिए आपके पास कंपाइलर के ऊपर सीएमडी के ऊपर स्पेस आ गया। फिर आपने क्या किया, आपने कॉलम को अपडेट किया, अगेन कॉलम को अपडेट किया, तो वैल्यू क्या हो गई 3, तो क्लोजिंग बॉडी मिली, तो वो कंडीशन पे गया, तो 3 की वैल्यू छोटी है, ट्रू है। तो ये करते करते मैं कहती हूँ हम 10 पर पहुंच गए। जब हम 10 पर पहुंच गए, हमने 10 को डिस्प्ले कर लिया बच्चों, जब हमने 10 के रिजल्ट को डिस्प्ले कर लिया, स्पेस भी कर ली, अपडेट किया वेरिएबल को, यहाँ लिख लेते हैं रो में अभी तक क्या पड़ा हुआ है 1 ही है, और कॉलम में क्या आ गया 11। 10 का रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के बाद सेमीकॉलन मिला, कंट्रोल यहाँ आया, उसने इसको भी 11 बनाया ही बनाया, ऐसा है ना। क्लोजिंग बॉडी मिली, 11 छोटा है या बराबर है 10 से, नो no. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया क्रॉस। अब आपका कंट्रोल यहाँ पर आ गया, ठीक है यहाँ पर आ गया। अब हमें पता है कि जब इसकी वैल्यू 11 होनी है, या जब ये वाली कंडीशन खत्म हो जानी है, एक रो जब खत्म हो जानी है, तो आपने क्या करना था, नेक्स्ट लाइन पर जाना ही जाना था। तो आपने ये यहाँ लिख लेना है, लाइक आप कहते हो कि इनर वाली जो लूप है, जब ये अपना काम खत्म करे, तो क्या कर देना प्रिंट एल एन, चाहे प्रिंट एल एन के चाहे बैक स्लैश एन के जरिए कर लेना। ये बात समझ में आती है, इसको समझ लो पहले, लाइक बाद में करना। तो आपने प्रिंट एल एन कर लिया, और क्या करना है आपने, कॉलम, हाँ कॉलम रीसेट करना है। एल एन करने से आप यहाँ आ गए ना, यहाँ आने से आपने क्या किया, अपनी रो को भी अपडेट किया, तो रो को भी प्लस प्लस करना है इसी पॉइंट पे, रो की प्रीवियस वैल्यू में प्लस प्लस। ये बात समझ में आती है, और विजिबल है ऑनलाइन वालों को, नजर आ रहा है जो मैं अभी लिख रही हूँ। मैम नीचे वाला नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा बस नजर नहीं आ रहा, सब ठीक है। यस मैम आप ठीक है, चलो। तो हमने क्या किया, ये क्लोजिंग बॉडी के बाद दो और काम किए, तो ये दो काम जो है ये अपर बॉडी के रिलेटेड है। मैम नहीं नजर आ रहा, और इसकी बॉडी की क्लोज कर दी, ठीक है। अच्छा आप क्या कह रहे थे, कॉलम को रीसेट करना है, कॉलम को रीसेट करना है, यहीं पे कर ले या वहां कर ले कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि इस रो में काम करने से पहले इसको अपडेट कर लेना बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस जगह थोड़ी है, मैं ऊपर लिख लेती हूँ, तो बस क्या करें। तो क्या हुआ, जब इसको ये क्लोजिंग बॉडी मिली, रो की वैल्यू क्या हो चुकी 2, तो 2 जो है वो छोटा है 10 से, यस अंदर आके काम करो। जब ये यहाँ पर आता है ना बच्चों, और ये देखता है कि कॉलम की वैल्यू क्या है, तो कॉलम की वैल्यू क्या है 11, लेकिन अब हमने 11 से काम नहीं करना, ये तो फिर एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या करना है, कॉलम की वैल्यू को रीसेट करना है 1 पे। तो ये वो बात है जो मैं शुरू में कह रही थी, तो आपने ये काम मस्ट करना है, कॉलम की वैल्यू फिर 1 से शुरू होगी और 10 तक जाएगी और सेकेंड रो का रिजल्ट आएगा। क्लियर, सबको समझ आ गया, सेकेंड को चलाएंगे छोड़ देंगे, हो गया बस। आई गेस इसके बाद कोई मसला नहीं आएगा, बस ये वाली बात आपने भूलनी नहीं, वेरिएबल रीसेट करने वाली। ऑनलाइन वाले कोई क्वेश्चन? नो मैम हो गया, चलो आई गेस आपने फॉर के साथ इसके ऊपर काम किया हुआ होगा, वाइल के साथ अब कर लिया, और डू वाइल करने के काबिल आप होने चाहिए। लॉजिक समझा दी ना ये रीसेटिंग वाली, तो बस इसको नहीं भूलना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन वाले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलती हूँ।